आदिवासी महिलाओं को नंगा करके घुमाना पूरे देश के महिलाओं को शर्मसार किया है। आदिवासी हो चाहे नॉन आदिवासी हो, महिला है ना, महिला का सम्मान हम लोग करते हैं, महिलाओं का सम्मान इज्जत लूटी जा रही है और हम कान में देके बैठे रहेंगे। दोषी तो भारत के प्रधानमंत्री है। भारत के प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और राष्ट्रपति से आग्रह है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। मणिपुर कई दिनों से चल रहा है और इसे लेकर अब तमाम राजनीतिक दल जो विपक्ष में केंद्र में वो सक्रिय हो गए। अभी हम मौजूद हैं झारखंड विधानसभा में और देख सकते हैं कि हमारे साथ विधायक उमाशंकर अकेला है जो एक बैनर लिए हुए, इस पर ऊपर में इंडिया वे स्टॉप वायलेंस सेव मणिपुर लिए हुए। हम इनसे ही बात करते हैं। दादा, आप लोग इंडियन गठबंधन का नाम रख लिए, तो भाजपा जो है वो कर एक इंडियन मुजाहिदीन भी है और भी बहुत सारे ऐसे इंडियन के संगठन है। देखिए, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग ने इंडिया का नाम हम लोगों ने गठबंधन रखा है और कर्नाटका में इसका घोषणा भी हो चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी के अब लग रहा है कि हमारा अब सत्ता उखड़ने वाला है और हम लोग खास करके आज मणिपुर के घटना के लिए 80 दिनों से लगातार मणिपुर जल रहा है लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के कानों में जू नहीं रेंग रहा है। हमारा मांग है आदिवासी महिलाओं को नंगा करके घुमाना पूरे देश के महिलाओं को शर्मसार किया है, इसलिए हमारी मांगे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री महिलाओं का सम्मान नहीं किया है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और राष्ट्रपति से आग्रह है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। आप लोग का प्रतिनिधि मंडल भी कुछ दिन पहले वहां मिलने गया था मणिपुर के लोगों से, उस पर भी सवाल खड़ा कर रहे थे कि राजनीति करने लोग जा रहे हैं। अरे राजनीति नहीं करना, हम लोग तो मणिपुर के घटना का हम लोग सब जगह आवाज उठा रहे हैं, इसलिए आज हम लोग सदन के बाहर में ये आवाज उठा रहे हैं। बोले भारतीय जनता पार्टी के कोई मुद्दा नहीं है, कोई विजन नहीं है, इसलिए वो हल्ला कर रहे हैं। देखे तो कन्नारी बंद हो गया उन लोग का। मणिपुर क्यों जल रहा है, किसे दोषी मानते हैं? भैया वहां की सरकार को मानते हैं, भारत के सरकार को मानते हैं, भारत के सरकार को मोदी जी को मानते हैं। देश राज्य जल रहा है, महिलाओं का सम्मान इज्जत लूटी जा रही है और हम कान में देके बैठे रहेंगे। दोषी तो भारत के प्रधानमंत्री है। आदिवासी ही तैसी केंद्र सरकार खुद को बताते हैं। आदिवासी हो चाहे नॉन आदिवासी हो, महिला है ना, महिला का सम्मान हम लोग करते हैं। हम लोग महिला चाहे कोई भी हो, चाहे ऊंची जाति के हो, चाहे आदिवासी हो, पिछड़ी जाति के हो, यदि जो कहीं भी इस प्रकार से घृणित घटना होगा तो आज इंडिया पार्टी जो है गठबंधन सरकार उसका विरोध करेगी। आपके नेता राहुल गांधी भी मणिपुर गए थे लेकिन उन्हें रोक दिया गया था, क्या कहेंगे इसको? क्या राहुल गांधी भी मणिपुर दौरे पर गए थे लेकिन उन्हें रोक दिया गया था लोगों से मिलने से? मैं यही तो है लोकतंत्र, लोकतंत्र को उन लोग समझते नहीं है। कहीं भी जाने में कोई नेता के रोकना नहीं चाहिए, वो अपनी बात रखेंगे। राहुल गांधी साधारण व्यक्ति तो नहीं है, अब उसको रोक दिया जाता है, अपने उनके घृणित कामों को उजागर ना हो इसलिए रोका जा रहा है। कल प्रधानमंत्री ने मन की बात किया, उसमें भी मणिपुर का कोई जिक्र नहीं था। इसलिए आज कितना दिनों से 8 साल 9 साल से मने के बात कर रहे हैं, हमारा मन की बात नहीं सुन रहे हैं, खाली मन की बात, मन की बात। क्या मन की बात है? 400 रुपया गैस से 1200 रुपया हो गया, यही मन की बात है? 13 रुपया लक्ष्य का दाम था वो 37 रुपया हो गया, ऋण का दाम 12 रुपया था वो 38 रुपया हो गया, यही मन की बात है? उनका हक कोई बात नहीं है। आने वाले चुनाव में फायदा आप लोग को होगा? अरे अभी हमारी सरकार बनेगी, इंडिया पार्टी की सरकार बनेगी। ऐसा कहा जा रहा है कि अब आप लोग पर कार्रवाई करने के मूड में केंद्र सरकार है, कई यार उसका कोई काम नहीं है यार, कार्रवाई क्या करेगा हम लोगों को? हम लोग उनके जैसा डकैत पार्टी है। छापा ऊपर पड़ेगा तो? अरे छापा पड़ने दो, रहेगा तब ने छापा पड़ेगा यार। अडानी हमारे यहाँ कान छापा पड़ रहा है, बताओ छापा पड़ेगा? अकेला यादव यहाँ, मंगल कालिंदी यहाँ देखे, पांचवा स्थान पर हमारा विधायक गरीबी में आया है, यही समझ जाओ। तैयार है पूरी तरह से? हाँ तैयार है, तो उसका हम लोग मुकाबला करने के लिए तैयार। देख आपने सुना, विधायक उमाशंकर अकेला जो हमेशा हट कर बोलते हैं और चर्चाओं में रहते हैं, और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि इंडिया गठबंधन जो है इससे केंद्र सरकार डर गई है और यही कारण है कि अब जो जिस तरह से बयानबाजी भाजपा के नेताओं की ओर से आ रही है और उसे देखते हुए 24 में हमारी सरकार बनेगी, जो उमाशंकर अकेला कांग्रेस विधायक इन्होंने दावा किया। इसके
अलावा मणिपुर में जिस तरह की वारदात सामने आ रही है, जिस तरह के मामले हर दिन सामने आ रहे, तस्वीर सामने आती है, उस पर सवाल उठाया कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहाँ की सरकार क्या कर रही है। इन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाने के साथ साथ कड़ी कार्रवाई वहाँ पर जो ऐसे हंगामा कर रहे, हिंसा कर रहे, उन पर करने की मांग की है। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।